वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। तो हम मरीज का जो सेचुरेशन है उसको चेक करके मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो हमें ये देखना है कि कब हमें मरीज को ऑक्सीजन देना है और कितनी मात्रा में उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी मरीज फीवर क्लिनिक या ओपीडी में आता है तो उससे हमें सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना है। मरीज का आरटीपीसीआर या स्वैब टेस्ट करने से पहले उसका पल्स ऑक्सीमीटर से सेचुरेशन चेक करना है। यदि कोई मरीज कोविड केयर सेंटर में या डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिट है तो एवरी 8 आवरली उसका हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहना है। यदि पेशेंट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसका हमें हर 4 घंटे में पल्स ऑक्सीमीटर से सेचुरेशन चेक करना है। यदि आईसीयू में है तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग में उसका सेचुरेशन चेक करते रहना है। अब सेचुरेशन होता क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन? तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिलके और हमारे पूरे टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। यदि ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं मिलेगा तो टिश्यू हमारे डेथ हो जाएंगे और हमारा जो हार्ट है वो वर्क करना बंद कर देगा और मरीज कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा और मरीज की डेथ हो जाएगी। इसलिए हमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो नॉर्मल होती है 90 से जो नॉर्मल 100 से 95 है उसके बीच में बनाए रखना है। तो जब भी पेशेंट या तो वो सस्पेक्टेड हो या पॉजिटिव हो तो जब भी हमारे पास आता है तो हमें पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना है। जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट रहती है वो 95 से 100 के बीच में रहती है। अगर 95 से कम हो गई, 90 और 94 के बीच में, तो इसको हम मॉडरेट हाइपोक्सिया में गिनेंगे। मीन्स अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो वो हाइपोक्सिया कहलाएगा। अगर 90 और 94 के बीच में है तो ये मॉडरेट हाइपोक्सिया कहलाएगा और 89 से 81 के बीच में तो ये सीवियर हाइपोक्सिया कहलाएगा। जब पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से 100 के बीच में है तो ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट को हम होम स्टे करवा सकते हैं, उसे घर पे ही अलग रूम में रख सकते हैं और जो कि वेल वेंटिलेटेड हो और जहाँ पे पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ कर सके और उसको सिर्फ सिंपल फेस मास्क पहना के रखना है। और जब भी कोई घर का रिलेटिव उससे मिलने जा रहा है तो वो भी उससे 3 फीट दूरी बना रखे और उसकी केयर कर सकता है। और रूम एयर होती है जो हमारा एनवायरनमेंट में, उसमें ऑक्सीजन की जो उपस्थिति रहती है वो 21% रहती है। यहाँ पे जो FiO2 एनवायरनमेंट का दे रखा है वो है 21%। तो ये FiO2 क्या होता है, एक्सटर्नल इंस्पायरेशन रेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे वायुमंडल में एनवायरनमेंट में 21% रहती है और 78% नाइट्रोजन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो भी हम अभी जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो एयर से जो ऑक्सीजन है वो 21% उपस्थित है, उसी को हम अपने सांस से अंदर ले रहे हैं और इसमें हमारा नॉर्मल जो सेचुरेशन है वो बना रहता है 95 से 100 के बीच में। यदि कोई पेशेंट है और उसका जो सेचुरेशन है वो 94 से नीचे चला गया है, जो कि अभी कोविड में कोविड पॉजिटिव पेशेंट में देखने को मिल रहा है, तो जो पेशेंट 90 और 94 के बीच में सेचुरेशन है तो उसको मॉडरेट हाइपोक्सिया में गिनेंगे और इसको ऑक्सीजन देने के लिए हम सिर्फ सिंपल जो नेजल कैनूला होता है उसके माध्यम से ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके द्वारा हम 4 लीटर पर मिनट फ्लो रेट पे ऑक्सीजन दे सकते हैं और अभी इन्वायरमेंट में 21% एयर है और इसके माध्यम से हम 40% ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि पेशेंट का जो ब्लड का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 90 से नीचे चला गया है, 90 से 85 के बीच में है, तो उसके लिए फिर हमें ऑक्सीजन देने के लिए सिंपल फेस मास्क और सिंपल फेस मास्क विद नॉन रीब्रीथिंग रिजर्वायर मास्क का उपयोग करना पड़ेगा।
जो सिंपल फेस मास्क होता है उससे हम 60% FiO2 तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें 60% हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे और जो बाहर से एनवायरनमेंट से जो 21% एयर रहती है तो उसको लेके दोनों को प्लस करेंगे तो ये 80% तक हम ऑक्सीजन मरीज को डिलीवर कर सकते हैं। और जो हमें जो फ्लो मीटर है वो 6 ml पर मिनट पे सेट कर देना है। फिर है सिंपल फेस मास्क, तो इसमें FiO2 80% रहेगी, मतलब जो ऑक्सीजन दे रहे हैं जो एयर हम इसके द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 80% ऑक्सीजन रहेगी और 20% ये 21% एनवायरनमेंट से मिल जाएगी। इस प्रकार हम सिंपल फेस मास्क विद नॉन रिब्रीथिंग रिजर्वायर के द्वारा 100% ऑक्सीजन मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें जो ये प्लास्टिक का जो बैग लगा रहता है इसमें 600 से लेकर 1.5 लीटर तक रिजर्वायर बैग का काम करता है ये, तो इसमें जो एयर भरी रहती है उससे पेशेंट दोबारा जो सांस लेता है तो उसमें उपयोग में ले सकता है। और एक आता है वेंचुरी मास्क, इसमें अलग अलग कलर कोडेड में ये वेंचुरी मास्क बना रहता है, तो इसके माध्यम से भी हम अलग अलग रेट पे मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, ऐसे पेशेंट जिनका सेचुरेशन 85 से भी नीचे चला गया है तो ऐसे पेशेंट को हम ऑक्सीजन हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मशीन से देंगे। ये जो अभी HFNO मशीनें आ रही है उसके द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो इस मशीन में क्या होता है, ये मशीन 100% ऑक्सीजन मरीज को FiO2 100% प्रोवाइड करती है। और इसमें क्या होता है, ये एक पीप जनरेट करती है जिससे कि एक निश्चित प्रेशर पे मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं और मरीज की जो सेचुरेशन है उसको ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं। यदि पेशेंट का 81 से भी नीचे सेचुरेशन चला गया है तो उस कंडीशन में मरीज को कार्डियक अरेस्ट होने का चांस बना रहता है। इसलिए जब भी मरीज को ऑक्सीजन देना है हमें सबसे पहले मरीज का जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके माध्यम से सेचुरेशन चेक करना है। यदि पेशेंट का सेचुरेशन 95 से ऊपर आ रहा है और उसको हम HFNO मशीन लगा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब भी हमें जब मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है तो ये देखना है कि उसका सेचुरेशन कितना है और उसी हिसाब से ये जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो डिलीवर करना है। थैंक यू।